अमित शाह का इंटरव्यू चल रहा है, सीधे आपको वो इंटरव्यू दिखाते हैं। बनाया कि विकास को कैसे सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक बनाया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। जैसे मैं 2-3 योजनाओं का ही जिक्र कर पाऊंगा समय मर्यादा देखते हुए। वन बंधु कल्याण योजना, सबसे निग्लेक्टेड गुजरात में आदिवासी थे, कांग्रेस ने उनका वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया परंतु कभी उस तक विकास नहीं पहुंचा था। उन्होंने सारी बिखरी हुई योजनाओं को जोड़ा और पहली बार गुजरात में उनका जो संविधान का दिया हुआ अधिकार था कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में उसको हिस्सेदारी मिले, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 2003 के बजट के अंदर उनको दिया। और वन बंधु कल्याण योजना ने पूरे गुजरात के ट्राइबल एरिया का विकास का रास्ता खोल दिया। और आज ट्राइबल एरिया में बड़े भरोसे से कह रहा हूँ, कोई भी क्रिटिक से क्रिटिक एनालिसिस करने वाला व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए, सूरत शहर और डांग के जिले के बीच में कोई अंतर वो नहीं ढूंढ पाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से राजनीतिक लाभ भी मिला, राजनीतिक लाभ दूसरी बात है, मगर लोगों का भरोसा लोकतंत्र के अंदर दृढ़ हुआ। सागर छोड़ के हमारे किनारे थे तो उसके लिए भी एक योजना लेकर आए, वो भी निग्लेक्टेड पड़े थे, जबकि सबसे ज्यादा खनिज संपदा वहीं थी, रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहां से आती थी, बंदरों के कारण सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहां लगी थी। पूरे सागर छोर के किनारों को रोड से जोड़ दिया और इसके वहां पर हर तहसील की एक डेवलपमेंट प्लानिंग बनाई गई और सागर खेडू विकास योजना वहां उन्होंने शुरू की। आज वो एरिया पूरा गुजरात की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन बना हुआ है। और तीसरा, हमारे यहाँ देश भर में था उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रॉप आउट का था, एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो गुजरात में, गुजरात जैसे राज्य में बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने खुद कड़ी धूप के अंदर पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोगों ने 5 दिन शुद्ध रूप से, 5 दिन में 25 स्कूलों में जाना है और महोत्सव के रूप में बच्चों के एनरोलमेंट का कार्यक्रम शुरू कराया और हमारे एनरोलमेंट को 100% तक पहुंचाया। और उसके बाद वहां अभिभावकों की कमेटी तो बनवाई। स्केल और स्पीड का जो है उनका कॉन्सेप्ट वहीं से वो शुरू से है, वो शुरू से है, संगठन में भी था, सरकार में भी था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी था। और उन्होंने अभिभावकों की कमेटी बनाई, विशेषकर माताओं की कमेटी बनाई, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता है तो इसकी चिंता होती थी, मास्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी। और ये सारी चीज़ों के बाद प्राइमरी एजुकेशन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी गुणोत्सव कर एक कार्यक्रम लिया और इसके कारण परिणाम ये आया, एनरोलमेंट 67% था वो 100% पहुंचा, ड्रॉप आउट रेशियो 37% था वो पॉइंट समथिंग पहुंच गया, 1% से नीचे चला गया। अब इसका इवैल्यूएशन कोई करेगा तो मालूम पड़ेगा कि देश के विकास में, गुजरात के विकास में इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसके अंदर आमूलचूर परिवर्तन है। इसी प्रकार से शहरी विकास, ग्रामीण विकास, औद्योगिक नीति, वाइब्रेंट गुजरात का उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा, खावड़ा तक पानी भी उनके समय में ही पहुंचा, नर्मदा योजना को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सोनी योजना लाकर गुजरात के अंदर लगभग टैंकर राज को समाप्त कर दिया। गुजरात ऐसा एक क्षेत्र था जहाँ टैंकरों की इंडस्ट्री चलती थी क्योंकि गांव में पानी नहीं होता था, आज फ्लो से पानी हर गांव में जाता है, पीने की पानी की कहीं किल्लत नहीं है। और दृढ़ता पूर्वक कठोरता से नीति बनाकर जो काम किया, इसका परिणाम यह है कि गुजरात के कई जिले आज काली यादी से बाहर आ चुके हैं, 100-100 फुट भूगर्भ जल का लेवल ऊपर आया है। पूरे भारत में एक ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ भूगर्भ जल में बढ़ोतरी हुई, तालाबों को बहुत डीप करने का काम किया गया, छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए, नर्मदा का जो बाढ़ का पानी था उसको तालाबों में डाइवर्ट कर, इस प्रकार से
एक दूसरी चैलेंज को उसने अच्छे इतने अच्छे तरीके से लिया कि देश भर के अंदर जो मिली जुली सरकारों का एक युग था वो युग में एक छवि बनी थी कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम शायद फेल तो नहीं कर जाएगी। गुजरात के नरेंद्र भाई के सफल मुख्यमंत्री काल के दौरान न केवल गुजरात, देश भर में एक आशा का किरण जागृत हुआ कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई दोष नहीं है, ये सफल हो सकती है, ये डिलीवर कर सकती है, अंतिम व्यक्ति तक जा सकती है और वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना, कल्याण राज्य की कल्पना, मैं पश्चिम की कल्पना की नहीं बात नहीं करता, अपने संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना करी थी वो साकार हो सकती है। तो ये दूसरी चैलेंज थी। और तीसरी चैलेंज जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तब आए, आप जानते हो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के लिए कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, ये कोई राजनीतिक मौका भी नहीं है, परंतु हर क्षेत्र के अंदर देश नीचे 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 जा रहा, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार सरफेस पर आ चुके थे, सार्वजनिक जीवन पर श्रद्धा पाताल के अंदर पहुंच गई थी, दुनिया भर में देश का कोई सम्मान नहीं था, हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बिल्कुल लचर हो पड़ी थी, पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था, नीतिगत फैसले महीनों तक सरकार की आंतरिक उलझनों में उलझते रहते थे, एक मंत्री महोदय ऐसे थे पूरे 5 साल कैबिनेट में ही नहीं आए, कई सारी ऐसी चीजें थी जो सवाल करती थी कि कैसे चल सकता है। ऐसे माहौल में मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री का चैलेंज उनके सर पर आया और आज हम देख सकते हैं कि 7 साल के अंदर सारी व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह से, हाँ समस्या आती है, आएगी भी, भविष्य में भी आएगी, मगर समस्या को एड्रेस किया जाता है, तत्काल एड्रेस किया जाता है, उसका समाधान निकालने का प्रयास किया और संवेदनशीलता के साथ उसको आगे बढ़ाया जाता है। और इसके कारण एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद हुई। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा या सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, ये तो अमेरिका के लिए रिजर्व चीज थी, वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। आज इसके कारण भारत के युवा का हौसला हुआ है, हम भी कर सकते हैं। कभी ये नहीं हो सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि $5 trillion की इकोनॉमी बनने का साहस भारत में है और हम पहुंच सकते हैं। ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे, मुझे विश्वास है $5 trillion की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो तीन बड़े बड़े आप स्टेज, तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार करा है। मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप ये बहुत बड़ी क्वालिटी। आपने अभी बात में जिक्र किया कि एक समय लगने लगा था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। मीडिया और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है देश में जिसका मानना है कि मोदी जी अधिनायकवादी हैं, डिक्टेटरशिप में यकीन करते हैं, किसी से सलाह मशविरा नहीं करते, अपनी चलाते हैं। तो आपको लगता है कि आप लंबे समय से उनसे जुड़े हुए हैं, आपका अनुभव इस पर क्या कहता है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे संगठन और सरकार दोनों में मोदी जी के साथ काम करने का मौका, पहले गुजरात के संगठन में, फिर गुजरात सरकार में और यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे और अब उनकी सरकार का मैं मंत्री हूँ। मैंने मोदी जी को नजदीक से काम करते हुए देखा है। ये सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैंने मोदी जी जैसा श्रोता देखा ही नहीं। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बहुत सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उचित निर्णय लेते हैं। और कई बार तो हमें भी लगता है क्या भाई इतना सोच विचार हो रहा है, एक बार बैठक, दो बार बैठक, बहुत धैर्यपूर्वक वो निर्णय करते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति के सुझाव को, सुझाव की गुणवत्ता के आधार पर वो महत्व देते, व्यक्ति के आधार पर नहीं देते। तो ये कह देना कि वो निर्णय थोपने वाले नेता है जरा भी सच नहीं है। और जो जो लोगों ने उनके साथ काम किया है, काम करने वालों में भी क्रिटिक होते हैं, वो भी इतना तो जरूर कहेंगे कि इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से कैबिनेट कभी नहीं चलती होगी, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मोदी जी के प्रधानमंत्री ना थे। और
मैंने उनके जैसा श्रोता लिसनर देखा नहीं। फिर ये परसेप्शन क्यों बना, जानबूझकर बनाया गया या किसी कुछ घटनाओं की वजह से बना? देखिए, जानबूझकर ही बनाया जाता है और वो डिसिप्लिन के आग्रही है। तो कोई फोरम में जो डिस्कशन होता है वो बाहर नहीं आएगा। एक जमाने में आ जाता था सब आप लोगों के उपयोग के लिए, अब नहीं आता है। तो को लोगों को मुश्किल होती है, मुश्किल होती है, बहुत कम आता है। तो लोगों को लगता है फैसला मोदी जी ने ले लिया। लोगों को मालूम नहीं है कि, जनता को भी मालूम नहीं है, जर्नलिस्टों को भी मालूम नहीं है कि ये सामूहिक चिंतन का परिपाक है। निर्णय तो ऑफकोर्स वो ही करेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और उनको ही करना चाहिए। जनता ने अधिकार उनको दिया है, बाकी सारे मंत्री को फिर मोदी जी ने अधिकार दिया है, यही तो हमारा संविधान है। परंतु सबके साथ चर्चा कर सबको बोलने का मौका देकर सबके प्लस माइनस पॉइंट सुनकर ये फैसले होते, ऐसी छवि इसलिए नहीं बनती कि वो डिसिप्लिन के आग्रही है। और कुछ लोग जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कुछ लोग जो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, वो सत्य कुछ भी हो, सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने कैसा रखना, वो भी प्रयास हम तो देख ही रहे हैं, आप भी शायद देखते होंगे। और इसके कारण छवि को आहत करने का भी एक सुनियोजित प्रयास हुआ है। ऐसा कहते हैं कि राजनीति में जोखिम लेने से नेता बचते हैं, क्योंकि एक अनिश्चितता उससे पैदा होती है कि ये जोखिम लिया, इसका क्या नतीजा होगा, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन मोदी जी के बारे में देखा जाता है कि जैसे वो मतलब जिद करके जोखिम लेते हैं। आप नोटबंदी का फैसला देखिए, 3 तलाक, अनुच्छेद 370। देखिए, मैं आपकी बात से पार्शियली सहमत हूँ। जिद कर शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, वो जोखिम लेकर फैसला करते हैं वो सही है, क्योंकि उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है, जो जबकि पोटेंशियल सालों से यहां पड़ा है। हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है। जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट, ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं। और इसीलिए इसी में से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्मिति होती है। और जब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आप एक रास्ता तय कर लेते हो कि मुझे देश को यहाँ पहुँचाना है, तो हर क्षेत्र के अंदर आप फैसले देखिए। नोटबंदी का फैसला और कोई ले ही नहीं सकता, मैं आपको बताता हूँ। इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया और हमारी टीका करने वाले जो करेंगे वो करेंगे, मगर मैं बताता हूँ इससे देश के अर्थतंत्र के माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि नहीं, ये सरकार का व्हील है, काला धन नहीं चलेगा। कई बार व्हील का परिचय कराना, इच्छा का परिचय कराना भी बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से GST, चिदंबरम साहब से लेकर प्रणब मुखर्जी साहब, सब बात तो करते थे, अच्छी अच्छी अंग्रेजी में बोलते थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मोदी जी ने केंद्र का राज्य का फर्क भूलकर कि फेडरल स्ट्रक्चर है, हम एक टीम है, काफी ऐसी चीजें थी जो राज्यों में अविश्वास पैदा करती थी, उसको हटा दिया और GST को सर्वानुमत से, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, इक्का दुक्का चीज छोड़कर GST काउंसिल में एक भी फैसला बहुमत से नहीं लिया गया, सर्वानुमत से लिया गया, जबकि GST काउंसिल में सभी दल की सरकारों के वित्त मंत्री है। 3 तलाक का उन्मूलन, किसी में हिम्मत नहीं थी। साहबानू के केस को रिवर्ट करना पड़ा, कानून को बदलना पड़ा, राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, उनको बदलना पड़ा था। वन रैंक वन पेंशन कोई हिम्मत नहीं करता था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया कंसेप्ट डिफेंस के क्षेत्र में कोई हिम्मत नहीं करता था।
सर्जिकल और स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम चुप हो जाते एक आध दो निवेदन कर। आज सबको मालूम है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धारा 370 35 है, सबको मालूम था कि टेम्पररी था, अब इसकी जरूरत नहीं है। कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा, दुनिया तक। योग दिवस कितना बड़ा फैसला है, यूएन जनरल असेंबली ने इसको स्वीकार किया। योग दिवस को बहुत बड़ी बात है, भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा एक्नोलेजमेंट शायद ही कभी हुआ होगा। पेरिस समझौता, बड़े बड़े देश ये लक्ष्य को घोषित करने के लिए, प्राप्त करने की बात छोड़ो, घोषित करने के लिए झिझकते थे। मोदी जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो यही एक रास्ता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ढेर सारे ऐसे फैसले उन्होंने जो लिए, वो मैं मानता हूँ नई शिक्षा नीति और ढेर सारे फैसले। आर्थिक सुधार का तो एक पूरा इंटरव्यू आर्थिक सुधार पर हो सकता है, इतने सारे आर्थिक सुधार उन्होंने किए। तो ये मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के अलावे ये हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए हो रहा है कि उनका लक्ष्य सत्ता में बने रहना नहीं है, उनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार चलाना नहीं है, उनका लक्ष्य देश के लिए सरकार चलाना है, देश के गरीबों के लिए सरकार चलाना है। लेकिन ये विश्वास कहाँ से आता है कि हम जो भी फैसला लेंगे, चाहे जितना कड़ा हो, चाहे जितना जोखिम वाला हो, देश की जनता उसको स्वीकार कर लेगी? वो इसलिए आता है कि इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना दलगत स्वार्थ है ना व्यक्तिगत स्वार्थ है। अगर दलगत स्वार्थ होता है तो विश्वास की कमी होती है, व्यक्तिगत स्वार्थ होता है तो और विश्वास की कमी होती है। पर जब आप शुद्ध रूप से जनता के हित में ही सोचते हो तो मैं मानता हूं कि ये विश्वास अपने आप इसमें से ही बनता है। अभी प्रधानमंत्री ने ओपन मैगजीन है, अंग्रेजी की एक पत्रिका है, उसके इंटरव्यू में कहा कि उनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक थी। तो ये अध्यात्म से सत्ता की राजनीति, इसका तालमेल कैसे बिठाया उन्होंने? क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा, आप ही बता सकते हैं। देखिए, मैं दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं देख सकता। अध्यात्म के दो रास्ते हैं, एक आत्मा का कल्याण करना और दूसरा जनता समर्थ के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना। अध्यात्म के रास्ते पर जाने वाले भी वही करते हैं, मोदी जी भी आज वही कर रहे हैं। आप देखिए, देश के 60 करोड़ गरीबों को कई सारे वादे किए गए, मगर 70 साल तक उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कभी नहीं आया था। गरीब कल्याण की बातें सबने की, गरीबी हटाओ की बातें के नारे भी लगे, मगर हुआ कभी नहीं था। आज मैं इतना कह सकता हूँ, 11 करोड़ गरीबों के घर से धुआ गायब है, गैस का सिलेंडर वो गरीब महिला के घर में पहुँच गया है। लगभग 11 करोड़ शौचालय इस देश में बन चुके हैं, जिसमें से 9 करोड़ से ज़्यादा उपयोग में है। तो वो 9 करोड़ परिवारों की महिलाएं आज शर्मसार नहीं हैं, सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। उनको भी होता है कि इस देश में मेरी हिस्सेदारी है, मेरी कोई चिंता कर रहा है। हर घर में नल का पानी पहुंचाने का काम हम शुरू करें, 8 करोड़ घरों में पानी पहुंचा, लगभग 2 करोड़ घरों में पहुंचने का काम हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। 18,000 गांव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तब वहां बिजली का खंभा तक नहीं था। 18,000 गांव आज़ादी के 70 साल के बाद बिजली से अछूते थे, और घर तो करोड़ों घर, आज वो 18,000 गांवों में बिजली पहुंच गई है, और इसके साथ 4 करोड़ घरों में बिजली, घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। लगभग 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपया मिल रहा है, और 1.5 लाख करोड़ रुपया एक साल के अंदर किसानों को पहुँचे, 1.5 लाख करोड़ रुपया। कभी UPA सरकार ने 60,000 करोड़ का ऋण माफ कर बहुत बड़ा काम किया था, ऐसा बताते थे, कहते हैं उसी से चुनाव। 60,000 करोड़ तो बैंक में ही वापिस आ गए, किसान को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तो बैंक का ऋण माफ हो गया। तो बैंक में ये 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसान को मिला है, जिससे इसको बैंक से ऋण ही नहीं लेना। जो 1.5 एकड़ 2 एकड़ के खेत हैं, जो हमारे बहुत सारे प्रदेश में एवरेज जोत इतनी ही है,
उसका तीनों खेती का खर्चा ही 6,000 होता है, तब उसको ऋण ही नहीं लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको कोई अलग तरीके से देखता नहीं है। एक और ऋण माफ करने की पॉलिसी लाना और दूसरी ओर किसान को ऋण न लेना पड़े ऐसी स्थिति में ले जाना। वो 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था आपने, 60 के 60,000 करोड़ बैंकों में आ गए, हमने 1.5 लाख करोड़ दिया जो किसान के पास गए और किसान ऋण मुक्त हो गया। मैं मानता हूं ये यूनिक विचार है। इसी प्रकार से आज घर में अकाउंट न हो ऐसा कोई घर देश भर में नहीं। लगभग ढेर सारे लोग ऐसे थे जिनके 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी अकाउंट नहीं था। आज जनधन के माध्यम से उनको अकाउंट मिल गया, DBT डायरेक्ट जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई इनका पैसा खाता नहीं है। चाहे वृद्ध का पेंशन हो, वृद्धावस्था का पेंशन हो, चाहे विधवा का हो, चाहे बच्ची का वजीफा हो, सीधा पहुँच रहा है। इसी प्रकार से 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना की स्कीम 60 करोड़ लोगों को मिली है। 60 करोड़ लोग आए आश्वस्त है घर में कोई भी आपत्ति आ जाए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, मोदी कार्ड को स्वैप करेंगे और हम हमारा इलाज करा देंगे। दुनिया में कोई नहीं सोच सकता 130 करोड़ के देश को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। बाकी सारे कंपेरिजन करते हैं अंग्रेजी अखबारों में लिख कर, उनको मालूम नहीं है कि अमेरिका का आबादी उत्तर प्रदेश इतना है और 130 करोड़ का देश 130 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दे रहा है। बहुत साहसी फैसला है। 43 करोड़ बैंक खाते खुल गए और 80 करोड़ लोगों को कोरोना में हमने मुफ्त राशन देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को एक साल तक, 1.5 साल तक मुफ्त राशन दिया है, उसका बड़ा असर है लोगों पर। और मैं इसको असर से थोड़ा ऊपर जाकर सोचता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी की सरकार की संवेदनशीलता है जो ये योजनाएं बनाती है। हम योजनाओं के अंदर उसका स्केल और साइज दोनों को बदले हैं। पहले होता था इतने घर बनाएंगे हम, अब हम कहते हैं कि सबको घर मिलेगा। पहले इतने घर में विद्युत पहुंचेगी, बिजली पहुंचेगी, अब कहते हैं कि सबके घर पहुंचाना है। पहले इतने शौचालय बनाएंगे, अब सब शौचालय सबके घर में पहुंचा। पहले गैस इतने देंगे, अब सबके घर में गैस। तो एक स्केल बदलने का काम किया और ये स्केल बदलते ही 60 करोड़ लोग जो अपने आप को आज़ादी के साथ ना जोड़ते थे, ना लोकतंत्र के साथ जोड़ते थे, ना देश के अर्थतंत्र के साथ अपने आप को, क्योंकि वो तो बेनिफिशियरी था ही नहीं बेचारा। आज वो 60 करोड़ लोगों में एक आत्मविश्वास जगा है कि नहीं, ये देश की विकास में मेरा भागीदारी है, देश मेरा सोचता है और ये 60 करोड़ लोगों की एक नई ऊर्जा देश के विकास के अंदर जुड़ी है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? सम विकास करना, यही लोकतंत्र है। सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शीय विकास करना, यही लोकतंत्र है। और सबको देश के भले के लिए जोड़ना, यही लोकतंत्र है। तो अल्टीमेटली जो क्रिटिक है वो बोलेंगे, मगर मैं मानता हूँ कि उन्होंने वही रास्ते पर नरेंद्र भाई आज भी है, जो कहते हैं कि अध्यात्म के रास्ते से वापिस आकर सत्ता की राजनीति में आए। जरिया बदला है, लक्ष्य वही है। ये प्रधानमंत्री जब किसी को जिम्मेदारी देते हैं, बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, तो किस आधार पर, क्या सोच कर, क्या पैमाना होता है? आपको जब उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया लोकसभा 2014 से पहले, तो कुछ बात की होगी, आपको बताया होगा क्या करना होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों ने आलोचना की कि अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं, कभी आए नहीं, रहे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आप पर भरोसा किया, तो उसका कोई तो कारण। देखिए, उस वक्त हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, फैसला राजनाथ सिंह जी का था, मगर हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी तो घोषित हो ही चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक सामूहिक फैसले होते हैं। परंतु मैंने मोदी जी जैसी स्मृति किसी की नहीं देखी। 1980 की भी बात जस की तस आज उनको याद होती है, और इस स्मृति को उन्होंने एक अलग प्रकार से संजो कर रखा है और इसमें से एनसाइक्लोपीडिया जैसा हर व्यक्ति के लिए इनका असेसमेंट तैयार होता रहता है, और फिर भी साथियों से सलाह मशवरा कर ही वो अंतिम निर्णय करते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यक्तियों के चयन के बारे में और व्यक्तियों के काम देने के बारे में उनके ज़्यादातर फैसले अच्छे भी होते हैं और सफल भी होते हैं। उज्ज्वला जैसी योजना भी आपने जिक्र किया, शौचालय की बात हो, जनधन योजना, जैम की जो ट्रिनिटी बनाई उन्होंने,
और एक तरफ ये जो गरीबों के लिए, गरीबों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, दूसरी तरफ आर्थिक सुधार के कार्यक्रम। तो एक तरफ लगता है कि बिल्कुल वामपंथ के रास्ते में जा रहे हैं, दूसरी तरफ लगता है कि ध्रुव दक्षिण पंथ के रास्ते पर जा रहे हैं। तो ये तालमेल कैसे बिठाते हैं? देखिए, जरा भी वामपंथ का रास्ता नहीं है, आप मुझे माफ करना प्रदीप जी, वामपंथी रास्ता गरीब का उत्थान करना है ही नहीं। उसके अंदर पड़े हुए असंतोष को राजनीतिक पूंजी बनाकर सत्ता पर बैठना है, वरना वामपंथी स्टेटों की ये स्थिति होती है। आज बंगाल का स्थिति देखिए, 27 साल के वामपंथी शासन के बाद, और गुजरात का स्थिति देखिए, त्रिपुरा का स्थिति देखिए, गुजरात का स्थिति देखिए। परंतु ये जो आप कह रहे थे कि वामपंथी और दक्षिणपंथी के बीच में कोई अंतर्द्वंद है, मैं नहीं मानता ऐसा है। ये बिल्कुल देखिए, सरकार किस चीज के लिए होती है, कर किस चीज के लिए वसूला जाता है, जिस पर ईश्वर की कृपा है, जो ज्यादा परिश्रमी है, जिसके अंदर ज्यादा मेगा है, जिसके अंदर ज्यादा प्लानिंग की क्षमता ईश्वर ने दी है, वो ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसको कमाने देना चाहिए, क्योंकि इससे देश का विकास होता है। उसके पास से कर वसूल कर जो पिछड़ा हुआ है इसके पास पहुंचाना, इसी के लिए तो सरकार होती। बजट की व्याख्या क्या है, सीधी सदर लेमेन की व्याख्या क्या है, जिसके पास ज्यादा है उसके पास से उचित प्रतिशत में लेकर जिसके पास नहीं है उसको पहुंचाना और पूरे देश की व्यवस्थाओं को चलाना, यही तो बजट है। बजट क्या है, ये हमारी एक भी योजना वोट बटेने की योजना नहीं है, आप समझ कर चलिए, एक भी योजना नहीं। एक भी योजना में हमने किसी को सीधा पैसा नहीं दिया है। अच्छा रास्ता तो इधर चुनाव के वक्त गैस सिलेंडर क्यों देना, भी 2500 रुपया ही दे दो, और दिया भी जाता था पहले, हमने ये नहीं करा। 2500 रुपया देकर उसके अंदर एक नई आशा का किरण जागृत किया, गैस देकर उसके जीवन स्तर को उठाकर नया आत्मविश्वास भरा। जब घर में साइकिल होती है तो स्कूटी लाने का मन होता है, स्कूटी होती है तो स्कूटर लाने का मन होता है, स्कूटर होती है तो मोटरसाइकिल लाने का मन होता है, मोटरसाइकिल होती है तो कार लाने का मन होता है। इसके अंदर आशा का संचार कर उसके जीवन को, उसकी सोच को उद्वगति देकर देश के विकास के साथ जोड़ने का हमने एक रास्ता दिया। ये वामपंथी विचार है ऐसा मैं नहीं मानता, मुझे लगता है सरकार का काम है। तो क्या लगता है आपको, इसी वजह से मोदी सरकार की योजनाओं नीतियों से ज़्यादा मोदी पर व्यक्तिगत हमले होते हैं, उनकी व्यक्तिगत आलोचना, निंदा, भर्त्सना, ये जो होती है निजी आक्षेप, कि इन मुद्दों पर जवाब नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इसका अलग तरीके से एनालिसिस करता हूँ। अपनी विचारधारा के प्रति निष्ठा रखना एक बात है, और कोई और विचारधारा का व्यक्ति सफल हो जाए वो सहन न कर पाना एक अलग बात है। मोदी जी के केस में वो हुआ है। हमारे देश में 67 के बाद की कांग्रेस को गिन ले तो 3-4 बड़ी बड़ी विचारधाराएं चली। एक समाजवादी थे, वो आंदोलन सिमट कर पहले जातिवाद में परिवर्तित हुआ और फिर परिवारवाद में परिवर्तित हो गया, बिहार वगैरह छोड़कर पूरा परिवारवाद में। कांग्रेस का आंदोलन जो था, आंदोलन शब्द ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो थी वो भी परिवारवाद में सिमट कर रह गई। तो ये दोनों मिलाकर एक परिवारवाद हुआ, एक आइडियोलॉजी बन गई, जो मेरा है वो ही श्रेष्ठ है, मेरा परिवार ही श्रेष्ठ है। दूसरा, दक्षिणपंथी माने जाने वाले हम, मगर हम एकात्म मानववाद में मानने वाले लोग हैं, अंत्योदय हमारा मूल प्रेरणा स्रोत है हमारी नीतियों का। और तीसरा, वामपंथी विचारधारा, ये 3 विचारधारा के बीच में रहा और तीनों को पर्याप्त मौका मिला है। इस देश की जनता ने कांग्रेस से तो खैर मौका दिया, कांग्रेस को तो खैर कितना बड़ा दिया, वामपंथियों को भी 3 राज्यों में लंबे लंबे समय तक मौका मिला, समाजवादियों को भी बड़ा मौका मिला। मगर जहां जहां एनडीए की सरकार हुई वहां अच्छा हुआ, जहां भाजपा की सरकार हुई वहां अच्छा हुआ, और फिर नरेंद्र मोदी जी ने आकर इसको एक अलग
डायमेंशन से बदला। अब मेरा कमिटमेंट मेरी विचारधारा के लिए हो राजनीति के अंदर बहुत अच्छा है, क्योंकि राजनीति के अंदर व्यक्ति ने विचारधारा के आधार पर ही काम करना चाहिए लोकतंत्र में। परंतु मेरे अलावे और कोई विचारधारा या तो कोई और विचारधारा रखने वाला नेता सफल होता है, इसको मैं सहन न कर पाऊं, ये अच्छा नहीं। कुछ परिवार तो आज भी मानते कि हमारे परिवार के अलावा कोई कैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो फिर वहां विचारधारा का सवाल कहां से आया? तो वो परिवारवादी विचारधारा है, वो एक आइडियोलॉजी बन चुकी है। देखिए, चाणक्य ने एक सूत्र दिया था कि ज्येष्ठ होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है वो ज्येष्ठ होता है। इन्होंने किया कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, हमारे अलावे किसी को शासन करने का अधिकार नहीं है। जब मैं SPG का कानून लेकर आया तो भाई गांधी परिवार को क्यों हटा रहे हो भाई, क्यों रखे? मेरा सवाल अलग है। ये कानून कोई गांधी परिवार के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए। आप बनो प्रधानमंत्री, चुन कर आओ, ऑटोमेटिकली आपको सुविधा मिलेगी। नहीं बनोगे तो छोड़ देंगे, कल को मेरी सरकार नहीं है तो मुझे भी आम आदमी की तरह जीना चाहिए। और हम रहे सालों तक ऑपोजिशन में, हमने कभी ये सवाल नहीं उठाए। मगर ये जो मानसिकता है, इसी प्रकार से वामपंथी मित्रों की भी मानसिकता है कि ये कैसे सफल हो गए, इसके कारण व्यक्तिगत हमले होते हैं। मेरा तो राजनीति में मानना है, मैं इन सभी मित्रों को कहना चाहता हूं कि आप हमारी नीतिगत शिकायत जरूर करिए, जरूर करिए। हमारी सरकार में करप्शन है तो उसको उजागर करिए, हमारी कोई फेलियर हो तो जनता के सामने लेकर जाइए। मगर ऐसा लिख देना कि मोदी जी नहीं रहते हैं तो ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस प्रकार की बातें करना मैं नहीं मानता। इस प्रकार की गतिविधियों से राजनीति का स्तर बहुत नीचे ले जा रहे हैं, जो दुखद है। पिछले दिनों आपने एक लेख में मोदी जी को सबसे बड़ा रिफॉर्मर या बहुत बड़ा रिफॉर्मर बताया, तो इस ये किस आधार पर, किन बातों के आधार पर, कामों के आधार पर ये कहा? देखिए, इन्होंने देश की ढेर सारी समस्याओं को मूलभूत सोच से विपरीत होकर, मतलब पारंपरिक सोच से विपरीत होकर देखा और इसका समाधान किया है, यही तो रिफॉर्म है। जैसे गरीबी उन्मूलन मैंने करा, इसी प्रकार से आर्थिक सुधारों में कोई समझता ही नहीं था कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बगैर ये देश उत्पादन का केंद्र बन ही नहीं सकता। इस देश के 60 करोड़ लोग अगर देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े, बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो इस देश की 100% ऊर्जा का उपयोग हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए इन्होंने रिफॉर्म करे और ढेर सारे रिफॉर्म करे। मैं सिर्फ रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताता हूँ, 370, फिर CAA, इसके बाद उत्तर पूर्व के अंदर आतंकवाद को खत्म करने के लिए ढेर सारे समझौते, ब्रू पुनर्वसन, कार्बी आंगलोंग समझौता, शांति, बोडो समझौता, नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति का इम्प्लीमेंटेशन करना, हर क्षेत्र में उन्होंने, सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक न्याय की दिशा में ढेर सारे परिवर्तन किए, और समाज कल्याण की दिशा में भी, गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बहुत सारे। इसी प्रकार से कृषि को प्रायोरिटी देना मैं मानता हूँ ये देश के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मैं आर्थिक रिफॉर्म की पूरी, ये 3 कृषि कानून उसी का हिस्सा, इसी का हिस्सा है। और इसके अलावा भी बजट में बढ़ोतरी आप देख लीजिए, कितनी बड़ी बजट में बढ़ोतरी कृषि के बजट में हुई है, और ढेर सारे परिवर्तन करे। और मैं मानता हूँ आर्थिक सुधारों को, मैं इसलिए बताना नहीं चाहता कि बहुत बड़ी सूची है उसमें, बैंकिंग से लेकर FDI पॉलिसी से लेकर GST से लेकर कॉरपोरेट टैक्स को घटाने से लेकर इंश्योरेंस, डिफेंस, FDI का परिवर्तन कर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को उसका कॉरपोरेटाइजेशन कर और सहकारिता मंत्रालय के गठन तक, ढेर सारे, नोटबंदी ले लीजिए, GST ले लीजिए। आज आपका अगर रिफंड लेना है तो कोई इनकम टैक्स ऑफिस में या कोई लॉयर की जगह आपके अकाउंट में वो आ जाएगा भाई।
आज आपका इनकम टैक्स असेसमेंट कहाँ गया आपको भी मालूम नहीं, आपका कोई लॉयर सीए आपसे अब कह नहीं सकता इसको मैनेज करना है लाइए इतने रुपये, वो ऑटोमेटिक होकर आप पर ही मिल आ जाएगा और आपका असेसमेंट हो जाएगा। इस प्रकार की ढेर सारी व्यवस्था है, कंपनी रजिस्टर करनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही कंपनी अब रजिस्टर हो जाती है। आप एक नाम डालोगे तो 3 दिन में जवाब आएगा कि नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर है, दूसरा नाम लाइए। जिसके लिए पहले क्यूमुलेटिव इफेक्ट से देखे तो अरबों खरबों रुपया घूस लिया जाता था, छोटी छोटी होती थी मगर उसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट अर्थतंत्र पर काले धन के अर्जन में बहुत बड़ी होती थी। ढेर सारे रिफॉर्म किए हैं इन्होंने। मेरा अगला सवाल इसी रिफॉर्म को लेकर ये जो दो कंसेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसके लिए PLI स्कीम लाना, कस्टम ड्यूटी को ऊपर नीचे करके भारत के अंदर उत्पादन के लिए माहौल बनाना, विश्व की स्पर्धा में खड़े रहने के लिए गुणवत्ता को अच्छी करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाना, किन किन चीज़ों में हम दुनिया के बाजार में अच्छे से जा सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए स्पेशल पैकेज, स्पेशल एरिया आइडेंटिफिकेशन, इस प्रकार की आज ही निर्णय करा है। अपैरल पार्क का, टेक्सटाइल पार्क का, बहुत बड़े टेक्सटाइल पार्क आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। इस प्रकार से इससे हमारा कृषि भी बढ़ेगा, रोजगारी भी मिलेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। ढेर सारे रिफॉर्म मोदी जी ने किए हैं। लेख में अपने आपने इसका भी जिक्र किया था कि 60 साल में जितने आर्थिक सुधार के कार्यक्रम हुए उससे ज्यादा 6 साल में मोदी, 6 साल में मोदी जी ने करे, वो सही बात है। पर इसीलिए अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान से हम 6ठे पायदान पर पहुंचे, 5वें पायदान पर पहुंचे, 5-6 में ऊपर नीचे होता रहता है। 1,17,000 करोड़ का GST और डायरेक्ट टैक्स में इतनी बढ़ोतरी, टैक्स देने वाले करदाताओं में बढ़ोतरी, हर पैमाने से देखिए। और मुझे भरोसा है कि ये जो सुधार की है, चाहे NCLT का कानून हो, चाहे बैंक के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने की बात हो, चाहे ब्याज दर में कमी करने की, हर चीज का परिणाम अब मिलने लगा है। कोरोना का गतिरोध अगर ना आया होता तो आज हम बहुत अच्छी जगह हो, मगर ये तो पूरी दुनिया के लिए है और हम सबसे पहले कोरोना के गतिरोध से उभरने वाला अर्थतंत्र है। आज हम प्री कोरोना स्टेज में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये 50-55 साल तक कांग्रेस का जो शासन रहा उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनका जो वोटर रहा वो समाज का वंचित वर्ग रहा, कांग्रेस को वो अपनी पार्टी मानता था। पिछले 7 साल में आप लोगों ने उसको बदल दिया, आज मोदी जी ने भाजपा को वंचित वर्ग की पार्टी के रूप में उसकी पहचान बना दी है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो सामाजिक समीकरण बनाया आपने, सोशल इंजीनियरिंग कहे या जो भी नाम देना चाहें, इसकी योजना कब से थी उनके मन में? ये जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने उसके बाद से शुरू हुआ प्रोजेक्ट या उससे पहले से शुरू? नहीं नहीं, ये तो उन्होंने गुजरात में राज्य के स्तर पर, राज्य की रिक्वायरमेंट के आधार पर और वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल ये सारे एक्सपेरिमेंट गुजरात में करे ही थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लगभग 54 मंत्रालयों की अलग अलग योजना है जो जनता को, जनता के लिए है, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के लिए 54 मंत्रालयों की। आज 43 करोड़ बैंक खाते में वो सारी योजना DBT के माध्यम से एक भी बिचौलिए के मगर सीधा 5 तारीख को उसको चेक मिल जाता है। आप मुझे बताइए इससे बड़ा भला उसका गरीब का क्या हो सकता है? वो बुढ़िया को 600 रुपया लेने के लिए कोई उससे 50 रुपया छीन जाता था, बच्चे के वजीपे से 10% कोई काट लेता था, आज ये सारी चीजें खत्म हो गई। और ये सब करने के बाद भी कॉरपोरेट टैक्स घटाकर यहाँ इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाया है, हम 17% पर ले आए। ये सब करने के बाद भी राहुल गांधी जी को बोलने के लिए तो ठीक है, एक बार आपको साक्षात्कार का मौका मिले तो इतना जरूर पूछना भैया कि आपके शासन था तब इसमें से क्या क्या कर पाए थे? आप तो 10 साल तो रहे उस वक्त, आप सांसद भी थे और आपकी माताजी पार्टी अध्यक्ष थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो क्या क्या कर पाए थे? एक बार जब आप साक्षात्कार, वैसे देते नहीं है वो साक्षात्कार, मगर दिए तो जरूर पूछिएगा। ये गुजरात से दिल्ली तक के सफर में कोई ऐसा मोड़, कोई ऐसा मौका आया जब ये लगा कि ऐसा करेंगे तो सत्ता से बाहर हो सकते हैं,
बाहर हो जाएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब आपने जो योजनाएं गिनाई, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, ये तभी संभव है जब आप सत्ता में हो। ये जो है जनतांत्रिक राजनीति की या चुनावी राजनीति की एक सच्चाई है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, विपक्ष में रिकवरी जनता का काम तो किया ही जा सकता है। हाँ, मगर इतना जरूर है कि यहाँ आप फैसले कर परिवर्तन कर सकते हैं, वहाँ फैसलों के अंदर के जो छिद्र होते हैं उसको उजागर करने का काम करते हैं। तो सिस्टम सुधार के लिए, तो सिस्टमेटिक सुधार के लिए तो आप काम कर ही सकते हो, परंतु हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये करने से हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ना मोदी जी की पॉलिसी का हिस्सा, पॉलिसी बनाते वक्त ना ये सोच रहती है, किसी पॉलिसी बनाते वक्त ऐसा हुआ हो तो। पॉलिसी बनाते वक्त एक ही सोच होती है कि ये अच्छे परिणाम देगी या नहीं देगी, और जो लाभार्थी उसका कल्याण होगा या नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई जनता में पहले रिएक्शन आता है और उसका कई बार राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, मगर हम राजनीति में राजनीतिक पार्टी को जिताने के लिए नहीं है, हम राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए है, देश की समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन लाने के लिए है, देश को सम्मानजनक जगह विश्व में दिलाने के लिए, देश को सुरक्षित करने के, पूरे देश को शिक्षित करने के लिए और देश की संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर उचित स्थान मिले, इसके लिए हम राजनीति के अंदर हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम राजनीति में तो चुनाव तो जीतना चाहते ही है, प्रयास भी करते हैं, यत्न भी करते हैं उसके लिए, परंतु लक्ष्य वो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी समझ से देश के अकेले नेता हैं जिनके खिलाफ 20 साल से लगातार अभियान चल रहा है, और जो अभियान चलाने वाले हैं वो थक नहीं रहे, उनका उनका उनके उनकी कोशिश जारी है। कभी इससे विचलित होते हैं, कभी उनको लगता है कि नहीं ध्यान देना चाहिए? जरा भी नहीं होता है। हर विरोध के साथ मोदी जी और मजबूत होते हैं, और वो मोदी जी का हौसला बढ़ता है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद उनके पास है, जनता का समर्थन उनके साथ है, और जनता चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और लोकतंत्र में इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि पूरे देश की जनता एक आदमी कटु फैसले लेते हैं, कड़े फैसले लेता है। कई बार तो जनता के लिए भी कड़े फैसले होते हैं। काले धन पर जब आप नकेल कसते हो, जब आप आर्थिक सुधार करते हो, टैक्स इरोजन के सारे लूफोल्स को सील करते हो, तो कष्ट तो कुछ लोगों को होता है, हो सकता है हमें वोट सालों तक वोट देने वाले लोगों को भी हो, मगर वो भी वो समझते हैं इसमें मोदी को क्या मिलने वाला है, मोदी को कुछ नहीं मिलने वाला है, इसमें देश का भला होने वाला है, इसलिए अंततोगता सब लोग मोदी जी के साथ जुटते हैं। मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए, अगर शुरू से नजर डालिए, नेहरू जी का काल थोड़ी समय के लिए छोड़ दीजिए, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया है, चुने जाने के दूसरे तीसरे साल में अलोकप्रिय हो गए। कोई बड़ी राजनीतिक घटना हो गई, या फिर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। इंदिरा गांधी को ले लीजिए, राजीव गांधी को, नरसिम्हा राव, आप इस तरह से देखिए। लेकिन 7 साल हो गए, लोकप्रियता घटने की बजाय ऐसा लगता है बढ़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।